और यूएस का ट्रेडिंग सेशन बढ़िया था लार्जली दो फीसदी तीनों बेंचमार्क मजबूत थे और आज सुबह के फ्यूचर्स पस्त पड़े हुए हैं ऐसे में क्या चल रहा है मूड कैसा है नीरजी से जी गुड मॉर्निंग बढ़िया रहा वैसे डाव ट्रेंडिंग डे टाइप था दिन भर तेजी स्क्रीन पर दिन के हाइट पे जाके डाव बंद हुआ, हुआ। तो कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के इंडिकेशन आ रहे हैं कैसा है क्या वो भी कंसोलिडेट कर रहा था अरे वहाँ तेजी भाई जो वो मारुति वाला एड याद है आपको पेट्रोल खत्म ही नहीं होता खत्म ही नहीं हो रहा पेट्रोल इनका दो याद है पेट्रोल खत्म ही नहीं होता और दूसरा वो चुन्नू मुन्नू दे पापा दी दे तो नहीं नहीं बजाज का चलती जा रही गड्डी चलती जा रही अब सिर्फ एक कदम दूर है आप लाइफ हाई से और डाओ जो है अगर आप मोमेंटम में देखें तो डाउ में डेली एक नया हाई बन रहा है एस जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंडेक्स है वो सिर्फ एक पीछे है

डिबेट से चल पड़ी थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो है आ, लार्ज कैप को बहुत चैलेंज दे रहे हैं उनको बहुत जलन हो रही है कि मैं नहीं चल पा रहा हूँ ये छोटे वाले क्यों चल रहे हैं ऐसा अमेरिका में भी हो रहा है yeah. रसेल टूके जो वहाँ छोटा इंडेक्स है yeah. स्मॉल मिड कैप का उसने एक महीने मतलब एक महीने क्या कहें दिसंबर में ग्यारह परसेंट चल चुका है और कल भी वो इन सबसे ज़्यादा चला है तूफानी तेजी वहां पे तो ये ग्लोबल फिनोमेना है छोटे स्टॉक्स में तेज़ी तो इसलिए ज़्यादा जलने की ज़रूरत नहीं है बड़े वालों को इसको बर्दाश्त करो समय की का चक्र है इसको झेलो तो रसल ने भी वहाँ पे कल बड़े रिकॉर्ड बनाए बहुत तेज़ी वहाँ पे आई सारे 11 के 11 इंडेक्स में तेज़ी है वहाँ पर एस के अंदर जो अलग अलग सेक्टोरल इंडेक्स हैं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं बावजूद इसके अच्छा मुँह चढ़ा रहे हैं वो कल एक और भाई साहब निकल के आए फेड वाले अटलांटा के जो प्रेसिडेंट हैं राफेल साहब उन्होंने कहा कि कोई अर्जेंसी नहीं रेट कट की तो उनको मुंह चढ़ाते हुए मार्केट ने कल फिर एक नया हाई जड़ दिया ये लो दिखाओ करके तो नेट नेट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूएस मार्केट में बहुत तेज़ी है कहीं कोई संकेत ऐसे नहीं एक और खबर बता देता बताया आपको mm -hmm. न्यू होम सेल्स का एक आंकड़ा निकल के आता है जिसमें छोटे घर यानी वन बी के मान लो मुंबई की लैंग्वेज में उन छोटे घरों में जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुई मतलब बनाने के लिए जो शुरुआत की जा रही है उसमें अट्ठारह की उछाल है नवंबर महीने में डेढ़ साल का हाईएस्ट पे पहुंच गया है अब आपको होगी ये तो सब नेगेटिव खबर होनी चाहिए मार्केट के अरे सब इग्नोर कर दिया हमने कुछ नहीं फ़र्क पड़ता फेड कुछ बोले नंबर्स खोए आज शाम को जी का थर्ड और फाइनल स्टेटमेंट आएगा क्यू का उसको भी मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव लेके चल रहा है तो जब बहुत बड़ी तेज़ी चलती है आपके यहाँ सात आई पी एक एक दिन में सब्सक्रिप्शन के लिए आ जाते हैं तो फिर ये सारे लॉजिक ना साइड में रखो एन्जॉय द रैली एन्जॉय द पार्टी

हम दो दिनों से क्लोजिंग बेसिस पे तो एकदम फ्लैट लाइन के आसपास बंद लेकिन इंट्राडे वर्टैलिटी है और इंट्राडे जो डिफाइंड मार्कर्स जैसे कल भी चर्चा हुई थी वीरू पिरामिड भी दिखाया था कैसे वो इक्कीस तीन सौ पे पुट राइटर्स का बहुत तगड़ा जोन और कैसे इक्कीस पाँच सौ पे कॉल राइटर्स एग्रेसिव खड़े हुए हैं और ये बात भी हुई थी इक्कीस पाँच सौ ये जोन जब तक ब्रीच नहीं हो रहे ऑन द वे अपसाइड नई तेजी की तैयारी नहीं होगी डिप्स पे खरीदारी करनी है वो वो के के पे कल 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 का लो देखिए वही बेस मेरे से बेस मेरे जो कल था वो तीन -वन, थ्री -थर्टी था शायद और इंटरडे लोस थे वो बेस पे आया वही इक्कीस 500 सौ सौ दस के आसपास मुनाफा बांधना है कल का हाई देखिए इक्कीस 505 सौ बिल्कुल सटीक बिल्कुल डिफाइंड मार्केट पे बाजार चलता हुआ वीरो तो लेवल्स एकदम मार्क टू मार्क बिल्कुल वैसे ही चल रहा है बाजार अब करना क्या है आज का ग्लोबल समीकरण फिर ठीक ठाक है गिफ्ट निफ्टी फिर थोड़ी सी मजबूती के साथ खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है पर हमारा